Hello friends, we are going to solve some question, some more question from P block and chemical bonding. तो ये एक अच्छा question है. Match the following. तो आपके पास है सिलिका, तो सिलिका का किससे मैच करेगा? SiO2 से, 4 से, मतलब A का 4 दो ऑप्शन में है. तो पहला और दूसरा चला गया. अब इसके बाद जो है आपके पास है दूसरा वाटर गैस. तो वाटर गैस जो है वो किससे मैच करेगा? देखिए, CO+H2 से. तो बी का थर्ड, ये दो ऑप्शन. ड्राई आइस CO2 एंड प्रोड्यूसर गैस जो है वो है CO+N2. तो कौन सा मैच कर रहा है? सी का जो है वो सेकंड मैच कर रहा है और बी का जो है वो फर्स्ट मैच कर रहा है. तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया मोस्ट अप्रोप्रिएट? दैट इज कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन है. इसके बाद देखिए 6B ये क्वेश्चन. ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल एक्सेप्ट. मतलब सबकी तो मैच करती है, बट इसमें से एक का मैच नहीं करता. तो आपको याद होना चाहिए कार्बन है आपके पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और क्या, लेड. तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन लोगों की बराबर होती है और फिर इनकी ज्यादा होती है. तो इनकी कितनी होती है? 2.5. इन तीनों के देखिए बराबर है, वही उन्होंने पूछा था किसका बराबर नहीं, और इनकी होती है 1.9. अगर मैं ऑर्डर आपको बताऊं तो ऑर्डर अपने को मिल जाएगा कार्बन सबसे ज्यादा, फिर देखिए लेड आ गया, और इसके बाद आपका सिलिकॉन बराबर है जर्मेनियम बराबर है टिन. एक अच्छा क्वेश्चन हो गया. उन्होंने पूछा किसका मैच नहीं कर रहा है, तो कार्बन तो दिया नहीं, किसका मैच नहीं कर रहा? आपका लेड का मैच नहीं कर रहा. इसके बाद वाला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन ये दिया. कंसिडर द गिवन स्पीशीज, और फिर उनका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्पीशीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन. तो ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? पहला आपका जो है, फर्स्ट जो है आपका, ये है आपका एनओ. तो एनओ में अगर आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 5 और इसका 6, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन. तो पहला है ऑड इलेक्ट्रॉन. सेकेंड जो आपका है वो है NO2. इसमें भी कर सकते हैं 5+6+6, ये हो गया 17. तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है. और N2, N2 का तो नहीं है क्योंकि N2 जो थर्ड ऑप्शन आपका है, इसके बाद अपने को ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. तो N2 नहीं होगा क्यों? क्योंकि इस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14. और इसमें क्या फॉलो करना है हमें? MO2. क्या फॉलो करना है अपने? MO2. तो इसका फॉर्मूला क्या? σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, फिर क्या है आपके पास? πi2px इज इक्वल टू πi2py, और फिर है आपके पास σ2px. तो टोटल 14 है. तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा 14. एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो आपको पहला होगा, दूसरा होगा, और पहला दूसरा किसमें दिया है? ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. सॉरी.